of you. Today we see the two comparison, that is P, I, D control action, and second one it is compare PI, PD, PID controllers. Okay, then we see the first comparison, that is the proportional control action, integral control action and derivative control action. In this, see the first point, it is in this controller, in proportional control action, the first point it is that in this controller output is directly proportional to the input. Okay, proportional controller mein kya hota hai, output ye directly connect rehta hai input se. Then integral mein kya hoga, in this controller output is proportional to time integral of the input error. Output किससे प्रोपोर्शनल होगा, जो भी इनपुट एरर का टाइम इंटीग्रल है उससे वो प्रोपोर्शनल रहेगा. डेरिवेटिव में क्या रहेगा, इन दिस कंट्रोलर आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द डेरिवेटिव ऑफ द इनपुट कंट्रोलर. ओके, यहाँ पे क्या चेंज है, सिर्फ यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रल इंटीग्रल. ओके, देन वी सी द सेकेंड पॉइंट इन दिस. द सेकेंड पॉइंट इट इज इट कैन बी यूज्ड अलोन. जो भी प्रोपोर्शनल कंट्रोल एक्शन है ये अलोन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं. देन इंटीग्रल में क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ कंपोजिट कंट्रोलर. देन ऑल्सो इन डेरिवेटिव में क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंपोजिट कंट्रोलर. ओके, ये दोनों सेम हैं. देन सी द थर्ड पॉइंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन टाइम. जो भी प्रोपोर्शनल कंट्रोल एक्शन है ये इंडिपेंडेंट रहेगी टाइम पे ऊपर, और जो इंटीग्रल और डेरिवेटिव है वो डिपेंडेंट रहेगी टाइम के ऊपर. ओके, सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टाइम. विच वन, दैट इज इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन. देन वी सी द फोर्थ पॉइंट. द फोर्थ पॉइंट इज दैट इन प्रोपोर्शनल कंट्रोलर और प्रोपोर्शनल कंट्रोल एक्शन इट कॉजेज द ऑफसेट, एंड इंटीग्रल में इट एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ ऑफसेट. इसमें क्या होगा, प्रोपोर्शनल में ऑफसेट रहेगा, इंटीग्रल में इलिमिनेट करेगा, और डेरिवेटिव में क्या होगा, ऑफसेट रहेगा. ओके, देन फिफ्थ वन इट इज इन प्रोपोर्शनल फॉर अ ज़ीरो एरर आउटपुट इज कांस्टेंट. जब भी एरर ज़ीरो रहेगी आउटपुट यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा. और इंटीग्रल में क्या क्या रहेगा, देखो, फॉर अ ज़ीरो एरर आउटपुट इज़ नॉट ज़ीरो. अगर ज़ीरो एरर रहेगी तो आउटपुट ज़ीरो नहीं रहेगा. और डेरिवेटिव में फॉर अ ज़ीरो एरर आउटपुट इज़ ऑल्सो ज़ीरो. ओके, डेरिवेटिव में अगर एरर ज़ीरो रहेगी तो आउटपुट भी ज़ीरो रहेगा. लास्ट पॉइंट इन दिस कंपैरिजन, इट इज़ एप्लीकेशन. द प्रोपोर्शनल कंट्रोल एक्शन, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन, इट इज़ दैट द लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम. एंड इंटीग्रल में क्या एप्लीकेशन है, जो भी फ्लो कंट्रोल सिस्टम्स रहेगी या फिर स्पीड कंट्रोल सिस्टम रहेगी ये इंटीग्रल में आएंगे. ओके, और जो डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन है हम लोग इसको सिंगल में नहीं यूज़ कर सकते, नॉट यूज्ड अलोन, सिंगल में यूज़ नहीं कर पाएंगे. इसलिए हम लोग जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव एंड प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, ऐसे कॉम्बिनेशन में हम लोग यूज़ करते हैं. सो सी द नेक्स्ट कंपेरिजन, इट इज़ दैट इज़ कंपेयर द proportional integral, proportional derivative and proportional integral derivative control. So see the first point. First point it is that it is the combination of proportional integral and derivative control action. PI kiska combination hai, P for proportional and I for integral control action. Again PD, it is the combination of proportional and derivative control action. And what for about the PID, it is the combination of three, that is the proportional control, integral control and derivative control action. Okay, then we see the second point, that is it proportional, the proportional controller stabilizes the gain but produces a steady state error and integral control minimize the error. अभी इसमें हम लोगों ने क्या दो यूज़ किए हैं, प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल. तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या करेगा, जो भी गेन है वो स्टेबलाइज करेगा और स्टेडी स्टेट एरर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा. और जो इंटीग्रल कंट्रोल है वो
जो भी एरर वहाँ पे जनरेट हुई है, प्रोड्यूस हुई है, उसको मिनिमाइज करेगा. ओके और यहाँ पे अभी पीडी में क्या होता है, देखो जो भी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, अभी जो फंक्शन बताया प्रोपोर्शनल का, वही यहाँ पे भी रहेगा. क्या द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर स्टेबिलाइज द गेन बट प्रोड्यूस द स्टेडी स्टेट एरर. यहाँ पे डेरिवेटिव क्या करेगा, डेरिवेटिव विल कंट्रोल मिनिमाइज द एरर. जो भी मिनिमाइज एरर कर रहा है उसको वो कंट्रोल करेगा डेरिवेटिव. ओके अभी पीआईडी इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री. सो प्रोपोर्शनल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोल, दैट इज अगेन स्टेबिलाइज गेन बट प्रोड्यूस द स्टेडी स्टेट एरर. एंड देन सेकंड इट इज इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव, ये दोनों क्या करेंगे, इट विल कंट्रोल मिनिमाइज द एरर. ओके इन दिस वे दिस इज द कॉम्बिनेशन फंक्शंस ऑफ प्रोपोर्शनल इंटीग्रल, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव. देन थर्ड वन इट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दैट इज पी इज इक्वल्स टू के पी ई ऑफ पी प्लस के पी के आर इंटीग्रेशन जीरो टू टी ई पी ई ऑफ टी डी टी प्लस पी आई जीरो. ये हो गया प्रोपोर्शनल इंटीग्रल का. डेरिवेटिव में क्या रहेगा, डेरिवेटिव में आपको ये वाले टर्म जो है यहाँ पे ऐड करनी है. यहाँ पे जो है ये इंटीग्रेशन की टर्म रहेगी और यहाँ पे ये डेरिवेटिव की टर्म रहेगी, बिकॉज हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे हैं. अभी ये जो थर्ड है पी आई डी, अभी इसमें दोनों रहेंगे, दैट इज़ इंटीग्रेशन की टर्म भी रहेगी और डेरिवेटिव वाली भी टर्म रहेगी. ओके इन दिस वे दिस इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इक्वेशन. और जो फोर्थ पॉइंट है आपका फिगर वाला, ये ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर्स में देखा है, सेपरेट लेक्चर्स है अवेलेबल ये चैनल पे, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर और प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर के. उसमें आप लोगों को जो है फिगर ऑलरेडी दी हुए है, वो वही फिगर यहाँ पे भी आपको कंसिडर करनी है. ओके देन सी द फिफ्थ पॉइंट, इट इलिमिनेट्स द स्टेडी स्टेट एरर. जो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल है वो क्या करेगा, स्टेडी स्टेट एरर इलिमिनेट करेगा. प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव इट विल कंपनसेट रैपिडली चेंजिंग एरर. ओके देन पीआईडी क्या करेगा, इलिमिनेट द स्टेडी स्टेट एंड रैपिडली चेंजिंग एरर. यहाँ पे दोनों काम करेगा पीआईडी, इलिमिनेट स्टेडी स्टेट एंड रैपिडली चेंजिंग एरर. सिक्स्थ पॉइंट, इट स्टेबिलाइज द कंट्रोलर गेन. पी आई में प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर में क्या होगा, ये स्टेबिलाइज करेगा कंट्रोलर गेन को. पी डी में क्या होगा, इट इंक्रीज कंट्रोलर गेन ड्यूरिंग एरर चेंज. अभी चेंज होगा एरर में, तभी क्या होगा, आपका कंट्रोलर गेन जो है वो इंक्रीज होगा इन पी डी. ओके पी आई डी में क्या होगा, द गेन ऑफ कंट्रोलर इज स्टेबल. यहाँ पे जो कंट्रोलर का गेन है वो स्टेबल रहेगा पी आई डी में. सेवन पॉइंट देखो, इट रिक्वायर एक्सपेंसिव स्टेबिलाइजेशन व्हेन प्रोसेस हैज़ मेनी एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट. ओके अभी ये जो प्रोसेस है अपने प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर की, ये कैसी है, इसको क्या एक्सपेंसिव स्टेबिलाइजेशन लगता है. ओके और ये जब प्रोसेस, व्हेन द प्रोसेस हैज़ मेनी एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स, यहाँ पे जो है बहुत सारी एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स आपको लगेंगे, सो एक्सपेंसिव स्टेबिलाइजेशन है. देन पीडी में क्या होगा, इट कैन नॉट इलिमिनेट ऑफसेट. यहाँ पे ऑफसेट इलिमिनेट नहीं होगा ऑफ अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर. यहाँ पे आप लोग प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं तो ऑफसेट इलिमिनेट नहीं होगा. देन पीआईडी में मोर इफेक्टिव फॉर कंट्रोल प्रोसेस व्हेन मेनी एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट देन पीआई. ये कहाँ पे इफ़ेक्टिव रहेगा, जो भी कंट्रोल प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, देन पी आई प्रोपोर्शनल इंटीग्रल के अलावा वहाँ पे ये जो पी आई डी कंट्रोलर है वो इफ़ेक्टिव रहेगा. ओके देन सी द लास्ट, इट इज़ एट्थ पॉइंट, इट इज़ यूज इन अ कंट्रोल सिस्टम. ऑलवेज इट इज़ यूज इन अ कंट्रोल सिस्टम विद द लार्ज लोड चेंज. ओके इन प्रोपोर्शनल इंटीग्रल इन पी डी, इट इज़ यूज्ड इन अ टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम एंड
बैच न्यूट्रलाइजेशन, अभी ये प्रोसेस है सब, ओके, कैस्केड टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम एंड बैच न्यूट्रलाइजेशन। एंड पीआईडी में क्या होगा, द पीआईडी कंट्रोलर कैन वी यूज़ फॉर रेगुलेशन ऑफ स्पीड, रेगुलेशन ऑफ स्पीड, देन टेम्परेचर फ्लो प्रेशर एंड अदर प्रोसेस वेरिएबल्स, ओके। सो दिस इज द कंपेरिजन ऑफ पीआरपीडी एंड पीआईडी। सो टुडेज टॉपिक विल बी एंड, थैंक यू।